इंजीनियर्स आज बात करने वाले दो रेनफोर्समेंट के बीच में कितना मिनिमम डिस्टेंस होना चाहिए, चाहे वो वर्टिकल हो या चाहे वो हॉरिजॉन्टल हो, आज के वीडियो में पूरा डिटेल में जानेंगे। कहीं आपको लगता है ये जानते हैं तो देख के बताना जरूर कि हाँ भाई ये तो हम पूरा पहले से जानते थे, ये तो नई चीज मिली थी नहीं, कमेंट करके बताना। तो आप देखते हैं पूरा वीडियो। सब्सक्राइब कीजिए सिविल गुरुजी चैनल को और बेल आइकन को दबाइए लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। हेलो एंड वेलकम टू द वर्ल्ड ऑफ सिविल गुरुजी। सिविल इंजीनियर ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट में आप सभी का स्वागत है। मैं सुदीप कुमार अग्रवाल, कॉर्पोरेट ट्रेनर आप सभी के लिए सिविल गुरु। जैसे कि आप लोग ने देखा था लास्ट वीडियो में डेवलपमेंट लेंथ के बारे में, नहीं देखे होगे तो बाद में जाके देखना, वो पूरा अपन लोग आईएएस कोड के हिसाब से बात किए थे, आईएएस कोड 456। इस वीडियो में भी अपन लोग बात करने वाले आईएएस 456 2000 में। अब उसी क्लॉज में 26 क्लॉज की चर्चा है, वो 26 क्लॉज कौन सा था कमेंट करके बताओ, जहां पर डेवलपमेंट लेंथ दिया था। अभी बात कर रहे हैं 26.3.2 में, यहां पर क्या दिया है, यहां पर दिया है हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस, कोई भी दो रेइंफोर्समेंट के बीच का डिस्टेंस क्या होना चाहिए। अब यहाँ पर मैं बात कर लूँ ये काम क्या आएगा, चला आपको और मुझे ये क्या काम आने वाला है, मैं साइट में तो दिया रहेगा उसी से कर लूँगा। नहीं भाई ऐसे नहीं होता। जब हम लोग कंस्ट्रक्शन कर रहे हैं, कहीं हम लोग प्राइवेट प्रोजेक्ट कर रहे हैं, इंडस्ट्री की स्टार्टिंग कर रहे हैं, स्टार्टिंग की बात है, तो आपको और हमें चलो छोड़ दो, मुझे ही स्टार्टिंग में नहीं पता था क्या डिस्टेंस रखना है दो रेइंफोर्समेंट के बीच। उस समय तुक्का मारना तो बहुत आसान होता है, परंतु हरदम याद रखना, जैसे कि अपन लोग लास्ट में भी बोले थे, तुक्का मारना कॉन्ट्रैक्टर का काम है, अपन क्या है इंजीनियर, तो अपन लोग को वैल्यू पता होनी चाहिए कि कहां पर कैसा और क्यों रख रहे हैं। अब बात कर लेते हैं आईएएस कोड में क्या दिया है, क्या क्या चीजें दी है। ये तो तीन पॉइंट लिखा है भाई, पढ़ने में हालत खराब होने वाली है। उसके बाद नोट में भी कुछ लिखा है, चलो देखते हैं आगे और क्या लिखा है। अरे भाई फिर एक और क्लॉज दे दिया, उसके बाद वर्टिकल के लिए अलग क्लॉज। अब इसको समझते हैं आसानी से एक एक पार्ट करके, तीन हिस्से ए बी और सी। सबसे पहले ए हिस्से की तरफ चलते हैं, वो अपन लोग को बात करता है हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस की, मिनिमम हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस की, मैक्सिमम की बात अपन लोग नेक्स्ट वीडियो में कहेंगे। आप लोग को चाहिए होगा तो कमेंट करके बता देना कि नेक्स्ट वीडियो अपन लोग को मैक्सिमम डिस्टेंस पे चाहिए, तो नेक्स्ट वीडियो अपन लोग मैक्सिमम डिस्टेंस पे ले आएंगे। अभी बात कर रहे हैं ए क्लॉज आपका मिनिमम के बारे में बताता है, साथ ही साथ जो बी है वो भी आपके मिनिमम के लिए बात करता है, अपन लोग आगे देखते हैं। और जो सी क्लॉज है वो वर्टिकल डिस्टेंस की बात करता है। अब ए क्लॉज क्या बोलता है उसको देखते हैं। अब उसको देखते हैं तो आईएएस कोड में तो इतना इस तरह से लिखा है, इसको पढ़ना और करना थोड़ा सा कठिन हो जाता है, तो भी चलो ट्राई करते हैं। सबसे पहले बोला कि जो तीन वैल्यू दिया हो उसमें से ग्रेटर होना चाहिए, ग्रेटर इन तीनों में से होनी चाहिए, वो डिसाइड करेगा मिनिमम स्पेसिंग। तो पहला क्या बोलता है, डायमीटर ऑफ बार, मतलब कहीं दोनों डायमीटर सेम है। यहां से पढ़ने से अच्छा ना मैं इसको थोड़ा सा अपने वर्ड्स में लिख दिया हूं, तो समझना ज्यादा आसान हो गया। तो सबसे पहला पॉइंट बोलता है कि डायमीटर ऑफ बार, मतलब कहीं दोनों डायमीटर आपके इक्वल हैं, जितने बार्स हैं उसके डायमीटर इक्वल हैं, तो डायमीटर ऑफ बार। अब वही चीज नेक्स्ट पॉइंट में बोल रहा है, क्या बोल रहा है, कहीं डायमीटर अलग अलग है, एक जगह 16 है एक जगह 20, तो आपको 20 mm का लेना है। इसको अपन लोग एक बार एग्जांपल से भी देखेंगे। उसके बाद क्या बोलते हैं, 5 mm मोर, अब किस चीज का, द नॉमिनल मैक्सिमम कोस एग्रीगेट, मतलब जो कोस एग्रीगेट हो रहा है उसमें भी मैक्सिमम नॉमिनल जो है उसका, इसकी वैल्यू क्या क्या हो सकती है, इसकी वैल्यू 18 हो सकती है, 20 हो सकती है, 25 हो सकती है, डिपेंडिंग अपॉन द सिचुएशन। अपन लोग इन जनरली 20 लेके चलते हैं। अब इसको समझने के लिए ना एक छोटा सा एग्जांपल लेते हैं, एग्जांपल से समझते हैं। अब यहाँ पर दो कंडीशन दी हुई है, अब पहली कंडीशन में क्या है, ये पूरे बार 16 mm के, दूसरे कंडीशन में क्या हो रहा है, ये दोनों बार अपन लोग 16 mm मान लेते हैं और इसको 20 mm, ठीक है। अब राइटिंग छोड़ दो, अपन लोग वैल्यू पर ध्यान देते हैं। तो यहाँ पर फर्स्ट कंडीशन जो सेटिस्फाई हो रही है, क्या बोल रहा है, दोनों बार सेम है तो कितना होना चाहिए, बार का डायमीटर, तो 16 mm हो गया। सेकंड कंडीशन क्या थी, सेकंड कंडीशन तो बोल रही थी जब बार का डायमीटर चेंज होगा, अरे भाई ये तो यहाँ सेटिस्फाई नहीं होता, यहाँ होता है, चल बार का डायमीटर चेंज हो रहा है तो मैक्सिमम कौन सा है, 16 और 20 में, 16 और 20 में मैक्सिमम कौन सा है, 20, चलो 20 mm लिख देते हैं। अब दूसरा कंडीशन तो ठीक है यहाँ लिख दिए, तीसरा कंडीशन क्या बोल रहा था, तीसरा कंडीशन बोल रहा था जो आप यहाँ पर मैक्सिमम नॉमिनल आप कोस एग्रीगेट यूज कर रहे हैं उसका साइज, उसमें 5 एक्स्ट्रा, तो मैंने लास्ट टाइम ही बताया था अपन लोग जनरली 20 लेके चलते हैं, तो 5 + 20 कितना हो जाएगा, आपको भी पता है 25। सेम यहां पर भी देख लेते हैं, 5 + 20 25। तब यहां से क्या पता चलता है, अब इन दोनों में मैक्सिमम कौन सा है, 16 और 25 में, 25 तो 25 mm का होगा। अब इस केस में क्या होगा, इस केस में भी 25 होगा। अभी अपन लोग ने जो वैल्यू निकाली ना, ये चेंज भी हो सकती है। अब आप बोलोगे क्यों चेंज हो सकती है, भाई आप ही ने निकाला है, सही निकाला है। अब सही निकाला है तो भी मैं बोल रहा हूँ, क्योंकि दूसरा कंडीशन जो आईएएस कोड बोलता है, अब सेक्शन बी में क्या बोलता है, अपन लोग को ये एनफोर्समेंट का कंडीशन तो पता चल गया, आईएएस कोड में ये लिखा है।
अब इसके बाद सेक्शन बी क्या बोलता है। सेक्शन बी ये बोलता है जब ही भी बात कर रहे हैं अपन लोग नीडल वाइब्रेटर यूज कर रहे हैं तो अपन लोग को क्या करना है, उसका जितना भी आ रहा है, जितनी भी वैल्यू आ रही है वो रिडक्शन हो जाएगी 2/3 से। अब 2/3 ऑफ किसका, अपन लोग जो कोस एग्रीगेट की बात कर रहे थे मैक्सिमम साइज, तो मतलब क्या चेंज हो रहा है यहाँ पर, अब जो 20 ले रहे थे अब वो 20 में क्या होगा, इंटू 2/3, 2/3 हो जाएगा। अब ये तो समझ में गया 2/3 करना है, अब 2/3 करना है परंतु उसने ना एक और स्पेसिफिकेशन दे दिया। अब ये स्पेसिफिकेशन क्या दे दिया कि जितना भी आप कम करना है कर लो, परंतु आपको इतनी जगह तो छोड़ना है कि नीडल वाइब्रेटर के कारण पूरी चीज आसानी से फ्लो हो जाए। अब ये कैसे जज करें, इसके कारण कभी भी अपन लोग इस कंडीशन को प्रैक्टिकली यूज नहीं करते, अपन लोग इसके पहले वाली कंडीशन को यूज कर लेते हैं, उसी को यूज करते हुए हॉरिजॉन्टल का निकालते हैं। समझ में, कंडीशन तो दिया है परंतु अपन लोग को कन्वीनियंस के कारण अपन लोग पहली वाली कंडीशन को यूज करते हैं, जो अभी तक अपन लोग सॉल्व कर रहे थे वही तरीका ही यूज करते हैं अपन लोग साइड में। अब बात कर लेते हैं वर्टिकल डिस्ट्रीब्यूशन, वर्टिकल डिस्टेंस कितना होता है। अब वर्टिकल डिस्टेंस कहाँ दिया है, सेक्शन सी पे। अब ये सेक्शन सी में क्या दिया है, वही फिर से थ्योरी दे दिया है, इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करते हैं, 3 पॉइंट में काम खत्म हो जाता है। पहला पॉइंट बोलता है 15 mm का गैप होना चाहिए, चाहे कुछ भी हो, कोई सा भी बार हो, कोई सा भी ग्रेड ऑफ कॉन्क्रीट हो, 15 mm का तो दूरी देना ही है। दूसरा बोलता है 2/3, अपन लोग वहां देखे थे ना, वही कंडीशन आखिरी आ गई है 2/3 का नॉमिनल मैक्सिमम साइज ऑफ एग्रीगेट, कोस एग्रीगेट की बात होती है, उतना तो आपको डिस्टेंस रखना है। तीसरा दे दिया मैक्सिमम साइज ऑफ बार, जो आपकी मैक्सिमम साइज होगी। अब यहाँ पर उसने स्पेसिफाई कर दिया है मैक्सिमम साइज ऑफ बार, मतलब एक बड़ी बार है एक छोटी बार है, तो आपको कौन सी बार लेनी रहेगी, बड़ी बार। इसको भी एक बार प्रैक्टिकल करके लिख के देख लेते हैं कि कोई कंडीशन होगी तो कैसे करना है, बहुत सिंपल है, अपन लोग करके देखते हैं। फिर से 16 mm की बार ले लेते हैं एक तरफ, यहाँ पर पूरी बार 16 mm की है। अब 16 mm की है तो सबसे पहला तो मुझे 15 की स्पेसिंग तो देनी चाहिए, ठीक है। 2/3 किसका करना है, 20 का, पहले ही आपको बताया हूँ। 2/3 20 का कितना होता है, मेरे ख्याल से 13.3 कुछ आएगा, अपन लोग इसको अप्रॉक्सीमेटली 14 ले लेते हैं। मैक्सिमम साइज ऑफ बार 16 mm, तब यहाँ पर 16 mm का आपका गैप होना चाहिए मिनिमम। अब इस तरफ देख लेते हैं, अब इस तरफ की बात कर रहे हैं तो ये कितना है आपका 16 mm, नीचे वाला कितना है मान लेते हैं 20 mm, 15, ये अभी निकाले 14, बार ऑफ साइज 20, तो यहाँ पर अपन लोग 20 mm लेंगे, यहाँ पर अपन लोग 16 mm लेंगे। परंतु साइड में जाते हैं ना थोड़ा सा और कंडीशन ऐड हो जाती है, अपन लोग को ध्यान रखना पड़ता है कि बार के बीच से रेनफोर्समेंट निकल जाए, उसके लिए अपन लोग स्पेसर बार भी देते हैं, यहाँ पर प्रोवाइड करते हैं, उसका भी कंडीशन अलग है। तो स्पेसर बार की बात भी अपन लोग अगले वीडियो में करेंगे, जब तक ले बने सिविल गुरुजी छात्र। और ये वीडियो अच्छा लगा होगा कि नई चीज सीखे या फिर जो चीज आती थी उसका रीजन जान लिए, तो लाइक करना ना भूले। मिलते हैं अगले वीडियो में, जब तक के लिए बने रहिए सिविल गुरुजी के साथ। करना है खास तो चलो हमारे साथ सिविल की बात गुरुजी के साथ। जय हिंद, जय भारत।